हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं इस पोर्ट्रेट को शेड करने के लिए इस ग्रेफाइट स्टिक का यूज़ करूँगी। सो ये आपको किसी भी रिटेल शॉप पे ये मिल जाएगा। तो जैसा ग्रेफाइट पेंसिल होता है बस वैसा ही होता है, बट इसे थोड़ा यूज़ करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इन तीन स्टिक को यूज़ करूँगी, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। सो आप कंटिन्यू वॉच करो सो दैट यू कांट मिस एनी काइंड ऑफ डिटेल। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट स्टिक जो होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, जस्ट लाइक आपको 8B पेंसिल वैसा आपको ये शेड देगा। और जो उसके बाद मीडियम है वो उससे लाइट है, हार्ड उससे लाइट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इन ग्रेफाइट स्टिक को यूज़ करके बहुत ईजिली शेड भी कर पा रही हूँ और उससे बहुत ईजिली ब्लेंड भी कर पा रही हूँ। ये एग्जैक्टली आपको ग्रेफाइट पेंसिल की तरह ही वर्क करता है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्रेफाइट पेंसिल को आप होल्ड बहुत ईजिली कर पाते हो, फाइन एरियाज़ पे वर्क अच्छा से कर पाते हो, बट ग्रेफाइट स्टिक्स में ये होता है कि जब आप उसे होल्ड करते हो वो बार बार आप यहाँ से फिसलती है। प्लस वो आप फाइन एरियाज़ में उतना डिटेल वर्क नहीं कर पाते हो क्योंकि उसका जो टिप होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, तो इसी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस होती है। बाकी एग्जैक्ट आपको एकदम ग्रेफाइट पेंसिल की तरह ही वर्क करेगा। स्टिक्स को यूज़ करके पूरा पोर्ट्रेट शेड करूँगी और एंड में आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा आया है। कंटिन्यू वॉच द होल वीडियो सो दैट यू कांट मिस एनी काइंड ऑफ डिटेल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।